ताजबाग में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ये माथा टेकने पहुंचे। इस पर उन्होंने ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट और सरकार के माध्यम से हो रहे विकास काम की भी चर्चा की। साथ ही ये विकास कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात भी उन्होंने कही। ऐसे आज ताजबाग में यहाँ पे माथा टेकने आए थे और बहुत सुकून मिला यहाँ माथा टेक के। यहाँ पे नागपुर ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर से बड़ी तादाद में लोग ताजुद्दीन बाबा के दरगाह पे आके मत्था टेकते हैं। और आज मैं बीच में कोरोना के कारण सब बंद था, उसके बाद आज पहली बार मुझे यहाँ पे आके मत्था टेकने का मौका मिला है, बहुत खुशी हो रही है। और जो ताजुद्दीन बाबा जो पूरा ये ट्रस्ट के जरिए और सरकार के जरिए जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, पहले फेज़ में करीबन 110 करोड़ का यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ है और सेकंड फेज़ में भी करीबन 200 करोड़ का प्रपोजल कलेक्टर के जरिए से सरकार की तरफ गया है। और हमारी सबकी कोशिश रहेगी वहाँ पे कि सरकार ने इसको जल्द से जल्द मंजूर करके सेकंड फेज़ का काम भी जल्द से जल्द चालू करना चाहिए, उसके लिए हमारी सबकी कोशिश रहेगी। देखो, बाबा के दरबार में हम लोग आए हैं और हमारी फरियाद ये है कि आप बिना गुनाह की सज़ा हमारे अनिल बाबू देशमुख साहब को जो मिली है, जो साबित ही नहीं हुआ, जो गुनाह सैकड़ों गुनहगार शहर में घूमते नज़र आते हैं उनको सज़ा नहीं होती, उनको जेल नहीं मिलती, और हमारे अनिल बाबू को 14 महीने ऐसे जेल में रहना पड़ा जहाँ कसाब को रखा था, यानी जिन्होंने सैकड़ों लोगों के मौत के घाट उतारा उस जगह उनको रखा। लेकिन बताइए, इनजस्टिस और नया जब जब होता है तो एक दिन फिर से वापस वो ताज बहाल होता है। हमारे अनिल बाबू यहाँ आए, देखो इतनी बड़ी तादाद में सभी हमारे भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए उनके प्यार की वजह से, और आगे जो है बाबा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा मतलब उनको मुकाम मिलेगा। और उनके सरपरस्ती में हम लोग जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सोहेल भाई हैं, मैडम हैं, वसीम भाई, ये सारे लोगों को जो है जो हम दब गए थे हम, कि अभी हमारे इतने बड़े नेता को अगर ये होता है तो आप अगर कोई आवाज़ उठाते छोटी मोटी तो आपका क्या, तो आप सोचिए ना, अभी हमारे पार्टी के लोगों ने जब भी कोई आवाज़ उठाई तो ईडी वाले सीबीआई वाले ऐसे भिड़ जाते, जबकि उनका कोई कुछ नहीं है। मैंने और एक बार कहता हूँ मैं कि सैकड़ों गुनाहगार खुलेआम शहर में हमारे घूम रहे हैं और एक आदमी ने जो कोई गुनाह किया ही नहीं उसके लिए 14 महीने जेल हुई, इसकी सज़ा जो है जिन्होंने एक हरकत की है, जिस पार्टी ने हरकत की है उसकी सज़ा, जनता जो है ना खामोश है अभी, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर में उनका सबक उनको जरूर देंगे 2024 में। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने एक बार इमरजेंसी लगाई थी, अच्छे एक चीज़ के लिए लगाई, लेकिन बहुत बेगुनाह जेल में गए थे, तो वो जो खामोश थी जनता, उन्होंने सत्ता को पलट दिया था, लेकिन वापस यही हो रहा है। बीजेपी को जो हमने एक अलग मुकाम लाया, यही सोच के लाया था कि भाई कुछ अच्छा करेंगे, चलो एक बदलाव करके देखो, मेरे ख्याल से आम जनता ने बदलाव करके ही उनको लाने की कोशिश की, लेकिन वो जो देख रहे 5 साल 9 से 8 साल के अंदर में उन्होंने भाई भाइयों को अलग करने की कोशिश की, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख सिख ईसाई हम लोग भाईचारे के साथ इस देश में रहते हैं, ये मिसाल है सारे दुनिया के अंदर की, इंडिया जो है ये मिसाल है, सब मिलजुल के रहते हैं। इन्होंने बंटवारा करने की कोशिश की, इनको बाबा के दरबार में बात करें, इनको बख्शेगा नहीं, आने वाले 24 में इनको इनकी जगह दिखानी होगी, और आप लोग गवादार हैं और उसी लिए आपको काम करना पड़ेगा, तब अपने को जस्टिस मिलेगा। बाबा बोलेगा अपने, उनके बोलने से नहीं होता, ये दरबार में आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, ये बातें लोगों तक पहुँचानी पड़ेंगी कि ऐसे लोगों को सत्ता में हमने ही बिठाया था और ऐसे लोगों को जमीन पर लाने का भी काम हम ही करेंगे। इतना कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।